हेलो हेलो जा रहा है कि फारूक, आपको बिलाव की आवाज आ रही है? अरे नहीं, मुझे बुला जी फारूक भाई, कंटिन्यू कीजिए आप। मुझे आपकी आवाज नहीं सुन, मैंने सवाल नहीं सुन सका आपका। कंटिन्यू कीजिए, असल में मेरा इंटरनेट का इशू आ रहा है, आप इसको कंटिन्यू कीजिए प्रोग्राम को। मैं अरमान भाई, कल इलेक्शन होने जा रहे हैं जिमनी, कैसे देख रहे हैं आप इसको? के लोगों में भी और जो हमारे सीनियर करते हैं, खास तौर पर उन लोगों से बात हुई थी, तो उसमें उनका कहना यही है कि जी दोनों सीटें हैं ना, 237 एन 237 और एन 239, जिस पर इलेक्शन होने जा रहा है, वो बहुत ज्यादा इम्कान यही है। एन खासतौर पर एन 239 पर तो जो है वो मेजोरिटी उन्हीं की है, पीटीआई की, और पीटीआई जो है वो मेजोरिटी में लग रही है वहां पर, और वहां पर जो है वो मामला एक तरफा लग रहा है। नंबर टू पे क्या जो है कह रहे हैं वो लोग के मुकाबला हो सकता है, और नंबर टू पे मुकाबला ये होगा कि जहां तक N 237 का ताल्लुक है, तो वहां पर जो खान साहब हैं, कल उन्होंने पावर शो भी किया है इसी सिलसिले में, और लेकिन वहां पर जो जो क्या कहते हैं पीपुल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो खासे तगड़े हैं, और वो खास तौर पर क्योंकि वो एरिया भी जो है वो पीपुल्स पार्टी का रहा है, और पीपुल्स पार्टी के जो अंदर थे वहां जो उम्मीदवार है वो भी जो पार्टी के उम्मीदवार हैं वो घर घर गए हैं वोट मांगने के लिए, और काफी वो मुतहरिक अरमान भी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। ये फहद ने बताया है कि आवाज में प्रॉब्लम आ रहा है। अगर आप जाकर आए तो अच्छा हो जाएगा। मैं कंटिन्यू करता हूँ कि NA 237 और NA 239 जिसे कहते हैं, NA 239, वहां पर जनाब जो है वो सिलसिला है जिमनी इलेक्शन का कराची के अंदर। तो प्रॉब्लम ये है कि जो एक जगह अब्दुल हकीम बलोच जहां पर हैं, जो कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का जो कैंडिडेट हैं, इस हवाले से उनके लिए इशू ये है कि वो 65% दही इलाका है और गोट ज्यादा है वहां पर, और इस बुनियाद पर भी, और दीगर अब्दुल हकीम बलोच माजी में भी बड़े तगड़े कैंडिडेट रहे हैं वो, उन्होंने अगर पार्टी स्विच भी की है तो अब्दुल हकीम बलोच जो है वो हमेशा जीतते रहे हैं। वो मुस्लिम लीग नू में भी गालिबन थे और उस दौरान भी उन्होंने अपनी सीट निकाल रही थी। तो हम जो देख रहे हैं सूरत हाल, बाकी जो पीटीआई है उसका बयानिया कहीं ना कहीं जरूर चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उसको सपोर्ट है, लेकिन मेरे ख्याल में जो है, जो इस वक्त जो इमरान खान साहब हैं उनको किसी भी जगह पे कोई सपोर्ट हासिल नहीं है, और जो कुरंगी वाली जो जगह है वो भी अगर जो हारेंगे, यानी जो नैयर रजा है गालिबन इमरान खान के मुकाबले में, वो जो सीट भी हारी जाएगी उसकी बुनियादी वजह ये होगी कि एक तो उन्होंने परफॉर्म नहीं किया था जब वो एडमिनिस्ट्रेटर थे या डिस्ट्रिक्ट में उनकी बड़ी जिम्मेदारी थी, और दूसरा ना सिर्फ उन्होंने परफॉर्म नहीं किया,
और ये टेसोरी साहब और दीगर मामलात के बाद इतनी धड़ेबंदी हो चुकी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि जब तक भाई जिसके हाथ ना रखें सर पर शफकत का, तो फिर अगर वो जाती तौर पे खुद स्ट्रांग नहीं है तो, या उसका अपना वोट बैंक नहीं है, तो उसका जीतना मुश्किल है। कि अब ये सारे जो वो इलाके जो कि शहरी इलाके हैं वहां पे कराची के अंदर जो है वो या तो एमकेएम का वोट बैंक है जो इलेक्शन लड़ रही है जमातें, या फिर वहां पे उनका वोट बैंक है जिनका जनाब देही इलाकों में पीपुल्स पार्टी का एक नया जो आया है शहरी इलाकों में मुकाबले के लिए वो पीटीआई थी, और पीटीआई बड़ा तगड़ा मुकाबला कर रही थी। अगर लियारी में भी इलेक्शन हो जाता तो इमरान खान बआसानी सीट निकाल लेते, तमाम लियारी वालों ने वापस लिया अपना इस्तीफा, जिसके बाद अब ये दो जगहों पे हो रहा है और दो जगहों पे मेरे ख्याल में 1-1 का रेशो रहेगा। अगर कुछ दोस्तों ने मदद की, कोई मामलात हो गए तो ये सीट निकाल लेंगे, लेकिन बहुत मुश्किल है। बायकॉट का फैक्टर इतना अहम है कि बायकॉट का फैक्टर जो है वो कराची से आप मैंने 245 का इलेक्शन सबके सामने है उन्होंने फारिग कर दिया, तो मेरे ख्याल में बायकॉट का फैक्टर बहुत इफेक्टिव होगा। क्योंकि दूसरी जो नशिस्त है उसमें दही आबादी जरा ज्यादा है, मतलब 65 से 75% के दरमियान दही आबादी है, तो वहां पर ये इशू होगा कि वहां पर बैकवर्ड का फैक्टर उस तरह इशू नहीं चलेगा या इतना ज्यादा नहीं चलेगा। इसकी बुनियादी वजह भी ये है कि वहां पर इससे मादी में भी जो है वो इलाके जो है वो वहां से भाई का कैंडिडेट इतना स्ट्रांग नहीं होता था, बानी का कैंडिडेट, और वहां पे एक बिल्कुल अलहदा चीज है। तो ये सूरत हाल है। अब देखें होता क्या है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये कह रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे ये इश्यूज हो रहे हैं, कुछ गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। गौरी एजाज कह रहे हैं कि मलीर के अंदर जो है जनाब वो बानी वालों ने नारेबाजी की, मुख्तलिफ जगहों पे हुआ है शाह फैसल से, और उनसे जगह उनसे गिरफ्तारियां भी हुई हैं, कुछ कुछ को निशानदेही पे गिरफ्तार किया गया है। अरमान भी आप मुझे सुन रहे हैं? अरमान भाई के बीच जो है वो आज इंटरनेट के इश्यूज हैं, मेरे ख्याल में इस वक्त जो रेड जोन में के इलाकों में जो लोग रहायश पजीर हैं उनको इंटरनेट के इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है, लिहाजा आज लाइव के सेशन में मुझे लगता है कि मुझे ही जरा ज्यादा बोलना पड़ेगा या मुझे ही बोलना पड़ेगा। वैसे बिलाल कहते हैं कि मैं जरा ज्यादा ही वो मुझे बुलवाते हैं, तो अब सूरत हाल कुछ यूं है कि जब इलेक्शन आ रहा है और बहुत सख्त सिक्योरिटी होगी, बहुत सारी चीजें होंगी, और बाय इलेक्शन में अगर पीटीआई ने अपने वोट को बचा लिया है, मतलब क्योंकि इस वक्त कहते हैं कि जो पीटीआई को फायदा पहुंच रहा है उसमें एक बड़ी वजह पीटीआई को ये है कि पीटीआई को लोग मोहब्बत में नहीं डाल रहे, बहुत सारे लोग गुस्से में भी पीटीआई को वोट डाल रहे हैं, जो कि जिनको मतलब वो खानदानी मामला की वजह से या दीगर पड़ोसी होने के सबब या बहुत अरसे से जुड़े रहने के सबब और बहुत सारी चीजें जो कराची की पॉलिटिक्स में होती हैं उसके सबब वो पोलिंग कैंप तक तो चले जाते हैं, और लेकिन आप पोलिंग कैंप पे जाने के बाद वो करते ही हैं कि वो वोट जो है वो पीटीआई को कास्ट कर देते हैं एमक्यूएम के बिना। शहरी इलाकों में यही होता आ रहा है जब से जो है साल 2016 के बाद से, जिसके 22 पीटीआई वो इलेक्शन में अच्छी पोजिशन हो जाती है जबकि वो जिनकी गाड़ियों में बैठ के वो आते हैं वो इलेक्शन हार जाते हैं। तो कल के इलेक्शन में भी अगर कुरंगी की बात करें तो जो ये वाली जो सीट है इस हवाले से कह रहे हैं कि जनाब उसमें यही होगा, बाकी शाह फैसल वाली सीट पे भी कह रहे हैं कि इसी तरह के सूरत हाल देखने को आ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें अब्दुल हकीम बलोची सीट की जहां से पीपुल्स पार्टी खड़ी है, तो वहां पे एक टफ मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है अब्दुल हकीम बलोच इमरान खान के दरमियान, और कभी इम्कान है कि वो मार्का जो है अब्दुल हकीम बलोच ले जाएंगे। क्योंकि हम जब इलेक्शन को हम कवर करते हैं तो हमें इस बात का अंदाजा है कि जिस टाइम पर पीटीआई के वोटर निकलते हैं वो भी थोड़ा ताखिर का वक्त होता है, और उसके साथ साथ जो पोलिंग एजेंट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पोलिंग एजेंट 10 से 11 के दरमियान जब पहुंचेंगे आपकी किसी पार्टी के जो कि कैंडिडेट है मुकाबले की, तो उसका मतलब ये है कि आप आधा इलेक्शन तो लूज कर चुके हैं, क्योंकि उस वक्त तक जो है पूरा हिसाब किताब कर दिया जाएगा। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी क्योंकि सिंध में मतलब इत्तेहाद में भी मौजूद है, हुकूमत में भी मौजूद है, इसी तरह एमक्यूएम भी हुकूमत और इत्तेहाद में मौजूद है, तो लिहाजा एमक्यूएम और पीपुल्स पार्टी दोनों के लिए बड़ा अच्छा चांस होगा कि वो जिनकी क्योंकि पीपुल्स पीटीआई के पास इन दोनों इलाकों में क्या जो है पोलिंग एजेंट बिठाने को नहीं है। वैसे तो एमक्यूएम को भी पोलिंग एजेंट नहीं मिल रहे हैं,
और कह रहे हैं लोग कि पीपुल्स पार्टी से भी लोग इतने नाराज हैं कि वो पोलिंग एजेंट नहीं मिले, लेकिन क्योंकि पीपुल्स पार्टी और एमक्यू को ये एज हासिल होगा कि जो स्टाफ वहां पर होगा तो उनकी हमदर्दियां क्योंकि उनके साथ होंगी, उनकी मजबूरियां उनके साथ होंगी, तो ये लिहाजा बहुत कुछ वो कर सकते हैं जो कि मैलाफाइड प्रैक्टिस उन्हीं तौर पर सियासी जमातें करती आई हैं और करती हैं। तो अगर ये मैलाफाइड प्रैक्टिस यूज हो गई तो ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा पीटीआई को ये इलेक्शन निकालना। तहम जो ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर बात हो रही है तो ये कहा जा रहा है कि जो अब्दुल हकीम बलोच वाली जो सीट है उधर थोड़ा टफ मुकाबला है, जबकि दूसरी जो सीट है वहां से जो है वो बआसानी इमरान खान साहब जीत जाएंगे। इसी तरह अगर हम ननकाना साहब और दीगर इलाकों की बात करें तो वहां पर भी इस वक्त तक कि जो आजाद जो सर्वे हुए हैं उसमें अंदर इमरान खान साहब को बहुत ज्यादा या पीटीआई को बहुत ज्यादा जो है माफ कीजिएगा बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी रेट है उनका, और जो आजाद जरा हैं वो कह रहे हैं कि जो तनासुब है या सीटों का जो तनासुब है जिमनी इलेक्शन के अंदर वो इमरान खान के हक में रहेगा, क्योंकि इस वक्त जो बढ़ती हुई महंगाई है पीडीएम उसको काबू में नहीं कर पाई है, और जो दीगर मामलात हैं उसकी बुनियाद पे ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि बहुत सारे लोग उनसे नाराज हैं। पेट्रोल की कीमतों की बात कर लें आप, दाल चावल दवाइयों की बात कर लें, बहुत ही ज्यादा महंगाई हुई और उसका नुकसान जो है वो जो उन्होंने हुकूमत संभाली उनके ऊपर आया, या उनको ये आप कहें कि वो नालायक थे, या पिछले वालों ने बहुत ज्यादा बुरा हाल किया था, इन दोनों सूरतों के अंदर जो है वो कामयाबी जो है वो या उसका जो फायदा जो है वो इमरान खान या तहरीक इंसाफ को मिला है। अब ये एक बुनियादी तौर पे ये एक ग्राउंड रियलिटी है जिसको समझना चाहिए। आप किसी के भी सपोर्टर हो आपको पता होना चाहिए, बतौर जर्नलिस्ट मेरा काम है कि मैं आपको ये बात बताऊं। बाकी जो ये जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें जो शहरी इलाके हैं वहां पे बायकॉट का फैक्टर बिल्कुल इस्तेमाल होगा और बायकॉट का फैक्टर यूज होगा। बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट की गई है, बड़े हम्बल टिकटॉक पे पैगाम आए हैं बानी की जानिब से, उनके जो सपोर्टर्स हैं उनकी जानिब से इसी तरह वायरल पैगामात हुए हैं। यही नहीं हुआ बल्कि चौकिंग की गई है, शहरी इलाकों में बैनर्स लगे हैं, पोस्टर तकसीम हुए हैं और गिरफ्तारियां भी हुई हैं। इन गिरफ्तारियों को अभी तक शो नहीं हुआ है जो गिरफ्तारियां की गई हैं। आजाद जराए से इसकी तस्दीक भी उसी सूरत में होगी जब कोई सरकारी इदारा इसको तस्दीक करें। ह्यूमन राइट जो ऑर्गेनाइजेशन हैं बड़ी अफसोस की बात है कि कराची के मामले पर हम देखते हैं कि वो उस तरह का किरदार अदा नहीं करती हैं और उन्होंने इस दफा भी नहीं किया है। जिमनी इलेक्शन के नतायज जो भी हों इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान से हमारी बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि उनको इस बात से कोई गर्ज नहीं कि इस इलेक्शन में क्या होने जा रहा है, वो इस इलेक्शन में उनकी जीत जो है वो बुनियादी तौर पे वो जो एक मूवमेंट चला रहे हैं कि हकीकी आजादी, जिसमें उनका कहना है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका से डिक्टेशन लेता है और पाकिस्तान जो है वो में जो हुकूमत आई है ये रिजीम चेंज जो हुआ है ये अमेरिका की साजिश है। तो उनका ये कहना है कि बुनियादी तौर पर जो ये इलेक्शन यहाँ कराची से कंटेस्ट कर रहे हैं उसका कराची की आवाम को कोई फायदा हो ना हो ये होगा कि कराची की आवाम आजाद हो जाएगी। अब ये इमरान खान कह रहे हैं इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। कराची की आवाम को यकीनी तौर पर सड़कें चाहिए, कराची की आवाम को जो है अपने जो है वो क्या कहते हैं सहूलियात चाहिए, जो बुनियादी शहरी राइट्स हैं वो चाहिए, जो टैक्स भरते हैं, जो रियासत के साथ उनका माहिदा है कि रियासत उनको सहूलियात फराहम करेगा वो चाहिए, कराची के लोगों को अमन चाहिए, लेकिन ताहाल इसका कोई इलाज इमरान खान के पास नहीं है। उनसे जो भी बात हुई उसमें उन्होंने यही कहा है। अच्छा ये तो था जनाब कल के जिमनी इलेक्शन के हवाले से। कल के जिमनी इलेक्शन में अगर हम तैयारियों के हवाले से बात करें तो कल के जिमनी इलेक्शन में पुलिस की जानिब से बहुत सख्त सिक्योरिटी होगी, इसके साथ साथ रेंजर्स और फौज भी दस्तियाब होगी। किसी भी सिक्योरिटी के मुताबिक रेंजर्स की भारी नफरी इन इलाकों में तैनात हो चुकी है। आईजी सिंध ने दौरा किया है शाह फैसल कॉलोनी का और दीगर गांवों का, और अगर हम अवामी जोश व खरोश की बात करें तो मतलब ये बात तो हर किसी को पता है कि जो अवामी जोश व खरोश है बाय इलेक्शन में जो कि होता है वैसे ही कम होता है। तमाम इस दफा जो है वो जितनी भी दही पट्टी है जो कि हम कह सकते हैं कि शहरी आबादी नहीं है वहां पर जो है वो सैलाब की वजह से और जो शहरी इलाकों हैं वहां पर सियासी सरगर्मियों का उस तरह रुझान नहीं है, वोटर नहीं निकल पा रहे हैं, इस वजह से हमें ये नजर आ रहा है कि वो सियासी सरगर्मी उस तरह नहीं है या उस तरह रौनक नहीं लगी जो कि कराची में सियाह के में इंतखाबात या बाय इलेक्शन हो या कोई भी हो तो उसके दौरान रौनक लगती है। इमरान खान के लिए एक अच्छा उन्होंने कोशिश की थी और उन्होंने वो कामयाब हुए किसी ना किसी तौर पर कि इमरान खान ने शाह फैसल कॉलोनी में एक बड़ा जलसा किया, चाहे पूरे शहर से लोग लाए गए हों वहाँ पे या कुछ भी हो, लेकिन
ये बात तो मानने वाली है कि सिवाय पीएसपी और तहरीक इंसाफ के किसी ने कोई एक्टिविटी नहीं की। पीएसपी ने भी एक रैली निकाली, लेकिन वो इतनी इम्प्रेसिव नहीं थी जिसकी वजह से लोग उससे मुतासिर हो सके। तो जनाब, ये ग्राउंड रियलिटीज थी कल के जिमनी इलेक्शन के मुताल्लिक। मेरे जो दो साथी हैं बिलाल अहमद और अरमान साबिर, वो आज माहौल में टेक्निकल बुनियादों की वजह से इस लाइव में मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से मैं लाइव को भी थोड़ा जो हम इसको कम कर रहे हैं। कल के हवाले से जो बड़ी खबर थी वो हमने की है। कोशिश करेंगे कि कल इलेक्शन के नतज के साथ ही एक और लाइव किया जाए जिसके ऊपर तजिया किया जाए। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के दिन को मैं इस हवाले से मुझे याद है क्योंकि हमारी मेमोरीज होती है फेसबुक पे, तो उसके दौरान एक फेसबुक की मेरी हमारी मेमोरी आई जिसमें मेरी जिसके अंदर आज के दिन प्रोफेसर हसन जफर आरिफ जो कि बानी मुत्तहदा के जब ऊपर जवाल का टाइम शुरू हुआ और वो लोग जिनको सोने के चमचों में और जिन्होंने खाना शुरू कर दिया था और वो लोग जिनको बहुत नवाजा गया था और बानी का साथ छोड़ गए, तो उस वक्त प्रोफेसर हसन जफर आरिफ जो कि बानी के कहा जाता है कि स्टूडेंट लाइफ के जान पहचान थी उनकी या उनके साथ अच्छी उनके मामला थे, रस्म मरासिम थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कराची प्रेस क्लब के अंदर। कराची प्रेस क्लब ने हमेशा जो है वो आज़ादी इजहार का साथ दिया और उस सूरत हाल में जब प्रोफेसर हसन जफर आरिफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके साथ हुआ तो ना सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेजेस चलना शुरू हुए, तो आज ही की तारीख 2016 आई थिंक थी, और उसके बाद जो है कराची प्रेस क्लब के बाहर बड़ी तादाद में जो है वो बानी के चाहने वाले जमा हो गए थे। इस दौरान रेंजर्स भी आ गई थी और आज मैं उस वाक्य का आपके हवाले से बता रहा हूँ, उस दिन की यादें ताज़ा कर रहा हूँ जो मीडिया के लोगों ने देखी। और रेंजर्स ने पूरे कराची प्रेस क्लब को घेर लिया और वो चाहते थे कि वो जो है वो प्रोफेसर हसन जफर आरिफ को गिरफ्तार कर लें। रियासत के दरमियान और कराची प्रेस क्लब के दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग है या जो एहतराम का रिश्ता है उसकी बुनियाद पर जाहिर बात है रेंजर्स अंदर तो दाखिल नहीं हुई है और नहीं दाखिल हुई और ना ही उनको दाखिल होने दिया। जो हमारे जितने मेम्बरान थे कराची प्रेस क्लब के वो वहां बाहर खड़े हुए और उन्होंने कहा कि आप अभी गिरफ्तार ना करें, ये आज़ादी इजहार का मामला है, आप उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दें। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद प्रोफेसर हसन जफर आरिफ जब तक वहां पे मौजूद रहे, प्रोफेसर हसन जफर आरिफ उनको कराची प्रेस क्लब में उस वक्त तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। और बाद में जब प्रोफेसर हसन जफर आरिफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर ली और तो अपने तमाम मुद्दा बयान कर चुके, उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ जो है वो टीवी चैनल्स को मुख्तलिफ यूट्यूबर्स को उन सबको इंटरव्यू दिए थे प्रोफेसर हसन जफर आरिफ ने, और उसके बाद फिर उन्होंने बिलाल आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिलाल आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिलाल आपकी आवाज कट रही है। प्रोफेसर हसन जफर आरिफ को फिर ने जब सारे मुतमईन हो गए उसके बाद प्रोफेसर हसन जफर आरिफ के बाद भी कोई मामला नहीं रहा कि वो बाहर ना जाएं, मतलब बाहर मजबूरी थी उनकी बाहर जाना क्योंकि वो मुसलसल तो नहीं रह सकते थे कराची प्रेस क्लब में। तो उसके बाद प्रोफेसर हसन जफर आरिफ जो है वो बाहर निकले और प्रोफेसर हसन जफर आरिफ ने जो है वो गिरफ्तारी दी, उनको लेके गए, उनको हिफाजती तहवील में लिया गया। और उसके बाद जनाब होता यह है कि उसके साथ साथ साथी साफ और दीगर जो लोग थे वो सारे लोग भी बाद गिरफ्तार हो गए। लोग कहते हैं फारूक भाई वुजदान में अब वो आ गए हैं तो कह रहे हैं कि लोग के अब तो मौका मिला है। अच्छा तो जनाब वुजदान की क्या बस जो अंडरस्टैंडिंग होती है लोगों से मिलना मिलाना होता है उसकी बुनियाद पे जो सोचते हैं उसी वैसे ही ख्वाब आ जाते हैं और उन ख्वाबों की बुनियाद पर हम आपको कुछ बता देते हैं। खैर इस हवाले से जो बात हुई मैं उस पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहवाल आपको बता रहा था, ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जी थी। फारूक, आपको आवाज आ रही मेरी? जी, मुझे अरमान भाई आपकी आवाज आ रही है। अरमान भाई मैं पहली एक्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बता रहा था। आप जो बता रहे थे ना, मुझे मैं सुन रहा था आपको। हाँ, मैं आपको सुन रहा था, आपकी आवाज आ रही थी मुझे। और जब आप मेरी आवाज आने बंद हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। एक्चुअली आप जो बात कर रहे थे ना हकीम बलोच वाली, तो वो जो है वो सीट तो यकीनन आप अरमान भी आपकी आवाज आना बंद हो गई है। अरमान भी आपकी आवाज फिर और चली गई है। एनीवे तो मैं आपको बता रहा था प्रोफेसर हसन जफर आरिफ साहब का, जो प्रोफेसर हसन जफर आरिफ थे वो उन्होंने बाहर जाया गया, फिर जारी बात है वो तहवील में चले गए। उसके बाद जनाब हुआ ये कि साथी साहब थे वो वहां पे
जो है वो उनको भी तहवील में ले लिए गए। साथी साहब ने बाद में जो है, और साथी साहब समेत बहुत सारे दोस्त थे, वो बाद में इतने फाल नहीं रहे, लेकिन प्रोफेसर हसन जफर आरिफ साहब जो है मुकम्मल तौर पे फाल रहे। और प्रोफेसर हसन जफर आरिफ साहब ने जो है वो उस वक्त तक, जब तक उनका एक बहुत ही मतलब पुरेसरार तौर पर उनका इंतकाल नहीं हुआ या उनको वो किसी हादसे का निशाना नहीं बने, उस वक्त तक प्रोफेसर हसन जफर आरिफ जो है वो बानी से जुड़े रहे, वो स्ट्रगल करते रहे, मुख्तलिफ तौर पर गिरफ्तार होते रहे। और जो उनकी आखिरी तौर जो आखिरी दो तौर पे आखिरी दफा जब वो प्रोफेसर हसन जफर आरिफ थे, वो कराची प्रेस क्लब के बाहर से ही हुए थे, क्योंकि हम कराची प्रेस क्लब में, मैं, अरमान भाई, ये सारे लोग बैठा, हमारा दिन रात का है, हम उसको अपना दूसरा घर करार देते हैं, लिहाजा प्रोफेसर हसन जफर आरिफ की चीजें ये, और खसूसी तौर पर बानी की जितनी भी लोगों ने मूवमेंट चलाई उनके लिए एक आवाज थी। कराची प्रेस क्लब एक जगह थी जहाँ पे वो आके बैठ पाते थे, और इस हवाले से जब वो वहां पहुंचे तो वहां पे हमेशा उनको वेलकम किया, और कभी भी उनकी आवाज को कराची प्रेस क्लब या किसी भी जगहों पे नहीं रोका। इसी तरह बलूचिस्तान या दीगर लोगों के जो मिसिंग के इशूज थे उसके ऊपर भी हमने हमेशा रही। तो ये आज की याद थी, 16 अक्टूबर की, सॉरी सवाल 15 अक्टूबर उठाइए। की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अरमान भाई आप मुझे सुन रहे हैं? अरमान भाई मैं आपको नहीं सुन पा रहा, तो मैं अपना कंटिन्यू करता हूं। तो जनाब ये वो फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसने एक दफा दोबारा से कराची के, मेरे ख्याल में किसी बड़ी शाहराह के ऊपर जो है वो बानी के नारे लगे, और सिर्फ अल्ताफ के नारे लगे, और बहुत देर तक वो नारे लगते रहे। और मुझे अच्छी तरह याद है कि सिर्फ एक परचम था, और वो उस परचम पे भी जो उमूमी तौर पे पार्टी के परचमों पे नारे होते थे, जी अल्ताफ का उसमें नारा नहीं था, उसके बावजूद एक परचम लेके एक नौजवान आया था, और उसकी लंबी सी दाढ़ी थी और दुबला पतला सा था, लियाकताबाद का लड़का था, वादा था मुझे पता चला, और वो नारे लगाता हुआ बहुत जज्बात में और उसके कंधों पर चढ़ा हुआ था लोगों के, और एक बड़ी जो है वो अपडेट हुई थी, और उस दिन ये कहा जा रहा था कि पार्टी दोबारा आ जाएगी। उस हवाले से मैंने एक तजिया भी किया था, और उस दिन मैंने कहा था कि डॉक्टर फारूक सत्तार जो है वो जो है उनके अंदर ये कायदाना सिलायते नहीं है, और पार्टी उनको फारूक सत्तार साहब को तो साइड में कर ही देगी, तहम ये पार्टी जो है वो अगर इस तरह नहीं चली तो सूरत हाल बहुत आगे गंभीर हो जाएगी, और ये इसमें जो कायदाना सिलायत नहीं रही तो, और या मुजाहरा नहीं किया, तो जो बहादुराबाद है या जो नई पार्टी थी जो कि जिसका दावा था कि हम महाजर सियासत को या कौम परस्ती की सियासत को बचाने के लिए निकले हैं, वो किसी तौर पे भी जो है वो महाजर सियासत को या कौम परस्ती की सियासत को बचाना तो दूर, वो अपने आप को नहीं बचा पाएगी। तो यही सूरत हाल अभी भी है, जारी है। डॉक्टर फारूक सत्तार समेत अहम अहम जो लोग जो बहुत अहम अहम लोग थे वो सारे के सारे जो है वो साइडलाइन लग गए हैं, और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का भी इस वक्त मैं पार्टी के अंदर बहुत अच्छा मुस्तकबिल नहीं देख रहा हूँ। और अच्छा जनाब, उसके अलावा उसी दिन का ये तज़िये में मैंने कहा था कि रियासत को के हवाले से कहा था कि इदारे ये समझ रहे हैं कि उन्होंने गोटा लगा दिया हलीम का, लेकिन हलीम का भी बहुत सा गोटा लगाना बाकी है, और साथ ही ये लिखा था, आखिरी लाइनें थी मेरी, कि बानी भी बहुत अच्छी हलीम बनाते हैं और बहुत अच्छा गोटा लगाते हैं। तो जनाब ये थी उस दिन की याद, आज के दिन की याद जो मुझे मेमोरी के जरिए फेसबुक की पता चली, याद आई कि इस पूरी स्टोरी में क्या क्या हुआ था जब वो लोग आए थे। और देखें, बहादुरों की इज्जत की जानी चाहिए, और मैं हमेशा बहादुरों की इज्जत करता हूँ, चाहे उनके नजरिए से मेरा इख्तलाफ हो, चाहे मैं उनकी बात को सही ना ही समझता हूँ। बहादुर लोग और जो मौके पे जो है वो भागते नहीं है, या जो लोग अपॉर्चुनिस्ट नहीं होते यानी मफाद परस्त नहीं होते, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। प्रोफेसर हसन जफर आरिफ को मैं उसी मेरी यादों में वो उसी तरह है कि जिस तरह जब मेरी उनसे बात हुई और मैंने प्रोफेसर हसन जफर आरिफ से कहा कि आप जिस टाइम पर आए हैं इस टाइम पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, वो लेफ्ट के आदमी थे और मैं राइट का आदमी हूँ, तो मैंने उनको हंसते हुए बोला कि आप ये समझ रहे हैं कि कराची पे लेफ्ट को अब इस तरह कंट्रोल करेगा, तो उनसे हमारी अच्छी हो गई थी बहुत, तो उन्होंने मुझे मुस्कुराते हुए बोला कि नहीं, हम मफाद परस्त थोड़ी हैं कोई, तो उसपे इसी तरह यही जुमला था उनका, क्या हम कोई मफाद परस्त थोड़ी हैं। तो जी बिल्कुल, तो उससे मुझे अंदाजा हुआ कि वो बड़ा बड़ी बड़ी फिगर थे, बड़े वो थे और बहादुर आदमी थे प्रोफेसर हसन जफर आरिफ। इसी तरह मोमिन खान, मोमिन मेरी उनसे मुलाकातें नहीं हुई, मैं मोमिन खान मोमिन से नहीं मिला, लेकिन एक बहादुर आदमी है मोमिन खान, मोमिन मुझे नजर आए।
और ये उस दिन वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद थे या नहीं थे मुझे इतना नहीं याद, लेकिन मुझे ये जरूर याद है कि मोमिन खान मोमिन का नाम भी उस वक्त आया था, क्योंकि उस वक्त जो नई राबता कमेटी बनाई गई थी उसका ऐलान हुआ था। अच्छा जनाब, ये कह रहे हैं कि इमरान खान खुद खड़े हैं तो उनकी सीट छोड़नी पड़ेगी, तो फायदा क्या है पीटीआई की जीत का, तो फिर इलेक्शन होगा और फिर पैसे एक बार फिर जाए होंगे। देखिए फहद, इशू ये है कि इमरान खान ये चाहते हैं कि किसी भी तरह जो उनका बयानिया है वो कायम रहे, चाहे सिलसिले में कोई कुछ भी करे, उनको इससे फर्क नहीं पड़ रहा। उनसे हमारी बात हुई थी, हमने यही कहा था कि जनाब जब कराची से अगर आप इलेक्शन जो जीत जाएंगे अगर फर्ज करें, तो फिर आपकी कराची को तो कोई फायदा नहीं होगा, आप इससे पहले भी आप नशिस्तें जीते हैं, आप बताएं आपकी नशिस्तें जीतने से कराची को क्या फायदा हुआ। तो उस पर उनका ये कहना था कि मैं कराची से नशिस्त नहीं, हम एक बड़े मकसद के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक बड़े बयानिए के लड़ रहे हैं और हम पाकिस्तान को आजाद कराना चाहते हैं। इमरान खान का मौकफ ये है कि इस वक्त पाकिस्तान गुलाम है और ये जो हुकूमत आई है ये अमेरिका की साजिश इसका नतीजा है और ये एक इम्पोर्टेड हुकूमत है, मतलब इस हुकूमत को इम्पोर्ट किया गया है। ये इनका इमरान खान का, क्योंकि वो है मतलब इमरान खान ये समझते हैं, लिहाजा इमरान खान ने की नजर में ये नहीं है। इसी तरह जो इमरान खान को वोट कास्ट करने वाले लोग हैं वो भी चाहते हैं कि इमरान खान जीते और बस जीते, और उनका बयानी की बुनियाद पर उनको वोट दे रहे हैं। इमरान खान का बुनियादी तौर पर जो एजेंडा है वो ये है कि जल्द जल्द जनरल इलेक्शन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये जो वेव उन्होंने हासिल की है दोबारा से अमेरिका मुखालिफ बयानी के ऊपर, उस वेव की बुनियाद पर वो इलेक्शन में वोट ज्यादा ले लें। और क्योंकि जितना ये वक्त जाता जाएगा ये बयानिया पुराना होता जाएगा, और जिस तरह अच्छी बिरयानी आपको शुरू के 2 से 3 घंटे में खा लेनी चाहिए, इसी तरह जब आपकी मूव बन जाए या वेव बन जाए तो वो भी आपको फौरी फौरी उसके नतायज हासिल कर लेने चाहिए। ये पॉलिटिकल एक मतलब तो पॉलिटिकल साइंस जिन्होंने पढ़ी है उनको ये पता है। आपको अगर याद हो कि कराची में जिमनी इलेक्शन डिले किए जा रहे हैं, इसकी बुनियादी वजह ये है कि कराची में हाफिज नईम की पोजिशन बहुत स्ट्रांग है और पीपुल्स पार्टी इस हवाले से समझ रही है कि इस वक्त इनकी वेव बनी हुई है, लिहाजा किसी भी सूरत में ज्यादा से ज्यादा टाइम टेक किया जाए ताकि इनकी वेव खत्म हो जाए। वेव की बुनियाद पर इलेक्शन में बड़ा बड़े 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 फैसले हो जाते हैं और बड़े बड़े चीजें हो जाती हैं। सलमान भाई, आप कह रहे हैं कि फारूक भाई बिरयानी में चावल पक गए हैं, दम कब लगेगा? दम जनाब उस वक्त लगेगा जब अगर दम जल्दी लगाना है तो उसके हवाले से हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मैं आपको ब्यूरोक्रेसी का सुनाता हूँ, बड़ा मुश्किल सवाल है और उसको जवाब देना भी बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि बहुत सारी पाबंदियां हमें बर्दाश्त करनी होती हैं, चीजों को रोकना होता है। तो ये कहते हैं कि जनाब होता ही है कि ब्यूरोक्रेसी कहती है कि जनाब ये काम है, ब्यूरोक्रेसी जब होती है कोई बंदा जीत के इलेक्शन आता है या कोई बड़ी पोजीशन पर आता है तो उसका काम ही होता है कि वो बोलती है साहब ये काम बोलेंगे साहब हम कर देते हैं, ये काम साहब ये काम हम कर देते हैं, तो साहब बोलते हैं ये काम बोलते हैं सर हम कर देंगे हम, है ना। तो वैसे ही जो ताकत के लोग हैं या सर वो लोग जो कि सबसे ज्यादा मुहिब वतन है इस मुल्क में, या वो लोग जिनको जो सिस्टम के अंदर बड़े असर रसूख रखने वाले हैं उनको मुसलसल ये बताया जा रहा है नहीं सर ये फार्मूला नहीं ये फार्मूला कर लें, सर ये फार्मूला नहीं ये फार्मूला कर लें, तो जनाब ये फार्मूला नहीं ये फार्मूला कर लें। और इस जमान मैंने आपकी बात की देख ली, मैं इसका भी जवाब देता हूँ आपको, फौजुल अजीम की भी देख ली, देखें ये नहीं ये कर लें। और अच्छा ये जो तीसरा लेकर आया गया है सेटअप ये भी आपको पता है कि जनाब ये जो टेस्वरी साहब आए हैं या मुकम्मल सेटअप आया है, ये पूरा एक सेटअप है और ये सेटअप जो है वो उसका बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि किसी भी तरह जो है तमाम धड़ों के इंजमाम हो जाए, ये बात रोजे अव्वल से सबको पता है। लेकिन ये बात भी रोजे अव्वल से सबको पता है कि जनाब ये बड़ा मुश्किल काम है कि आप बानी की मौजूदगी में एमक्यूएम को ही जो है, अच्छा मैंने पहले खा ली थी महबूब राना बिरयानी, मैंने असल में पहले ही खा ली थी, तपाक की वारदात बिरयानी खाई, तो ये है कि जो बानी की मौजूदगी में एमक्यूएम का कोई धड़ा जो है वो आपको कामयाबी नहीं मिल सकता, और खुदा ना खास्ता बानी अगर नहीं रहे इस दुनिया में तो फिर इसके बाद लोगों की नफरतों और लोगों की जो नाराजगी है 10 साल तक या 6 साल तक या 7 साल तक तो बहुत ज्यादा रहेगी कि ये धोखा देने वाले लोग थे। अच्छा जो जो इमरान खान के हवाले से कुछ कमेंट्स आए हैं जनाब, कुछ भी हो इमरान खान की ने पॉपुलरिटी उनकी थोड़ी सी है, ऐसा नहीं है कि उनकी पॉपुलरिटी नहीं है, और अगर कुछ ने अल्ताफ साहब के हवाले से बड़े खतरनाक से कमेंट किए हैं, मतलब खतरनाक क्या मतलब उन्होंने अपनी राय का इजहार किया है जो मेरे ख्याल में अल्ताफ हुसैन साहब अब भी जो है वो
बहुत सारे लोगों के दिलों में बसते हैं, जिस तरह इमरान खान साहब बहुत सारे लोगों के दिलों में बसते हैं, इसी तरह अल्ताफ साहब कराची और स्पेशली शहरी शहरी सिंध के अंदर बहुत सारे लोगों के दिलों में बसते हैं। और वो अगर वो चूरन बेचे वहां पे खड़ो के टीवी पे, वो बोलेंगे चूरन ले लो चूरन ले लो, या एमएमए को मम्मा बोले, लोग उनको सपोर्ट करते हैं, लोग उनको चाहते हैं। आप इसमें आपको हम क्या करें, मतलब इसमें ये आप जमहूरियत इसी का नाम है कि जो लोग को जिनकी सपोर्ट हो उनको आने दिया जाए, हर इदारा अपने अंदर काम करें। अल्ताफ साहब को अगर लोग सपोर्ट करते हैं, उनको वोट करते हैं, तो उनको आना चाहिए। इमरान खान को तो लोग सपोर्ट करें, उनको आना चाहिए। किसी भी किसी सियासी जमात को कोई सपोर्ट कर रहा है, जमहूरियत इसी का नाम है कि आप सामने वाले की बात से इख्तलाफ करें, आपको उसकी बात गलत लग रही हो लेकिन उसके बावजूद आप उसकी बर्दाश्त करें, और अफराद की बुनियाद पर, यानी कितने कितने जितने ज्यादा लोग होंगे एक तरफ उस तरफ, फिर आपको पलड़ा जाना पड़ता है और आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए, मतलब उनको आपको चांस देना चाहिए। अच्छा, अफशीन मंसूर कह रही है कि इमरान खान की वीडियो आने दें, आपकी आंखें खोल देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान की जो वीडियोज हैं या जो इमरान खान की ऑडियोज हैं जो अब तक अभी आना बाकी है, वो बहुत खतरनाक हैं और वो बहुत ही मतलब ऐसी हैं। लेकिन मेरा सवाल इस हवाले से ये नहीं है कि इमरान खान की वीडियोज या किसी भी सियासतदान की, आखिर ये वीडियोज बनाता कौन है, उनको इस बात की इजाजत किसने दी है कि वो ये वीडियोज बनाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। और हर शहरी का ये राइट है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, किसी की जाती जिंदगी में हमें अमल दखल नहीं देना चाहिए और किसी के बुनियादी राइट्स को भी नहीं करना चाहिए। इस वक्त जो सवाल सियासी जमातों के लिए है वो ये है कि सियासी जमातें जनाब फिर जो है वो ये करती हैं कि एक के बाद दूसरा जो है वो ही कर रहा होता है जो कहता है, जो नवाज शरीफ साहब इल्जाम लगाते थे, शहबाज शरीफ साहब इल्जाम लगाते थे, वही इल्जाम किसी और मतलब इमरान खान पे कि वो सिलेक्टेड हैं या दीगर चीजें हैं, अब वही इल्जाम इमरान खान साहब लगा रहे हैं किसी और कॉन्टेक्स्ट के अंदर, वो चेरी ब्लॉसम कह रहे हैं, वो कुछ और बोलते थे, और बाकी लोग भी इसी तरह कर रहे हैं। तो कोशिश ही होनी चाहिए कि सियासी जमातें जो है वो इस हवाले से मुस्बत राय का इजहार करें। ये फौजुल अजीम ने कहा है कि बेहतरीन जलसा था कल का, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस वक्त जबकि किसी भी सियासी जमात के पास ये हैसियत नहीं है कि वो बड़ा जलसा कर सकती, चाहे वो एमक्यूएम हो, चाहे वो पीपुल्स पार्टी हो, और चाहे वो कोई भी हो, तो उस दौरान एक दिन की नोटिस पे आप कुछ भी कहें, इमरान खान ने लोगों को जमा किया, गैदर किया, चाहे लोग कम हो चाहे लोग ज्यादा हो, एक बड़ी एक्टिविटी की, इस ऐसी एक्टिविटी की जो कि नहीं कर सकते थे। और ये अगर इमरान खान के अलावा अगर कोई कर सकता है तो वो बानी है। इस वक्त जब तक बानी हाथ नहीं रखेंगे, तो जब तक बानी हाथ नहीं रखेंगे, मौजूदा एमक्यूएम के पास फिलहाल ऐसा कोई तपड़ नहीं है। मौजूदा एमक्यूएम को गुज़श्ता रोज भी मैंने कहा था, झोली में उसके बहुत कुछ डलने वाला है, उनकी झोली में बहुत कुछ फेंका जाएगा, तो उनकी झोली में बहुत कुछ फेंका जा रहा है। मिसाल के तौर पे अभी आज एक नई वजारत मिल गई है, इसी तरह मुख्तलिफ वजारतें मिलती रहेंगी और मुख्तलिफ चीजें होती रहेंगी। इस हवाले से जो एमक्यूएम की हुकूमत से बाहर निकलने का मामला है या दीगर मामलात हैं, तो जनाब जो ये कह रहे थे कि एमक्यूएम जो है वो मतलब एमक्यूएम को जिन्होंने जिन्होंने टेसोरी को गवर्नर बनाया है, जब वो कहेंगे तो एमक्यूएम हुकूमत से भी निकल जाएगी। तहम अभी जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि अभी फौरी तौर पर ये होने जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये सारा मामला, अफशीन मंसूर ने लिखा है कि बिलाल साहब और अरमान साहब एक ही नेट शेयर कर रहे हैं आधा आधा, माइट भी मुझे अंदाजा नहीं है, मैं बिल्कुल अलहदा हूँ, ये दोनों कहाँ पर हैं मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। तो ये सूरत हाल है कि इस वक्त आपको, यानी मैं समझता हूँ, मैं कंक्लूड करता हूँ चीजों को जाने से पहले, कि ये बात इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनाब आपको उसूल करने पड़ेंगे। इस वक्त पाकिस्तान को इस बात की शदीद जरूरत है कि सियासतदान हों या तमाम इदारे हों, वो तमाम स्टेक होल्डर आदाब, अल्ताफ हुसैन भाई के पास जो ड्रामे में, देखें इसमें जो सबसे बड़ा मसला है ना वो ये है कि बानी के मामले में कोई एक शख्स फैसला नहीं कर रहा है। बानी के मामले में बहुत सारे लोग हैं जो कि फैसला कर रहे हैं, और बादशाह साहब मेरी जो नॉलेज थी मैंने उसके हवाले से बताया था,
कि अभी भी मैं इस पे समझता हूँ कि वो एक्सटेंशन तो नहीं लेंगे, मैंने पहले भी ये कहा था वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे थोड़ा सा, लेकिन उनका वक्त आगे जाएगा। नवंबर में बहुत मुश्किल है, इल्ला ये कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में जो है कुछ चीजें तब्दीली हो जाए। कल का इलेक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कल का इलेक्शन भी बहुत सारों के कैरियर तय करेगा। कल जो जिमनी इलेक्शन होंगे उसकी जो सीटें होंगी, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर हो रहा है, तो ये भी जो है बहुत सारे लोगों के जो है कैरियर जो है वो तय करेगा कि वो उनके कैरियर क्या होंगे, वो कहाँ कहाँ तक जाएंगे। तो खैर मैं अपनी बात को कॉन्क्लूड करते कहता हूँ कि अगर हर इदारा अपने डोमेन में रह के काम करें और अच्छा काम करें तो मसला ही पैदा ना हो। सियासतदानों को सियासत करने दें, जिनका जो काम है वो करने दें। ये ऑडियो लीक्स और वीडियो लीक्स आके मतलब एक सियासी जमात की आ जाएगी तो दूसरा खुश हो जाएगा, और दूसरी की आ जाएगी तो तीसरा खुश हो जाएगा, लेकिन ये मसले का हल नहीं है। यही थी आज के हवाले से, हम आप सबसे बहुत माजरत ख्वाह हैं कि हमारे जो हम जो है वो इस हवाले से जो है वो फराहम नहीं कर सके, लाइव नहीं कर सके उस तरह जिस तरह के हम लोग लाइव करते थे। कराची वाले एमपी को वोट दें या ना दें, ये बात भी दिमाग में बैठा के रखें कि इमरान खान को सपोर्ट करने के बाद भी कराची का मतलब नहीं होगा। देखें अब इस हवाले से जो भी हम वो बात इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि वो जो है ये एनए की जो नशिस्त जीतने का मतलब उनका ये नहीं है, वो पहले से ही अगर देखा जाए तो है असेंबली के अंदर, अभी तक उनका रिजाइन तो मंजूर नहीं हुआ है, लेकिन इसका बुनियादी तौर पर मसला ये है कि वो एक बयानिए को लेकर चल रहे हैं, और ये उस बयानिए के अच्छा जो 2 दिन पहले कॉर्नर मीटिंग हुई थी एमक्यूएम पाकिस्तान की, इसमें देखें यार वो एमक्यूएम पाकिस्तान के में भी ना मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वो नाराज होते हैं, लेकिन आप वो जब दीवाने भाई आपको सब पता है क्या हुआ है। देखिए एमक्यूएम पाकिस्तान को अब एग्रेसिव रवैये का सामना करना पड़ रहा है, उस रवैये का बुनियादी तौर पर ये एग्रेसिव रवैया नहीं, ये फ्रस्ट्रेशन है, ये गुस्सा है, ये वो मामला है कि अब बंदे के पास कुछ है नहीं, वो क्या करेगा, आपने कुछ छोड़ा ही नहीं है किसी के लिए। तो अब यही हो रहा है कि जो बानी के लोग मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनमें से मैं बहुत सौ ऐसे को मुझे बाद में केसेस पता चले हैं जिनको इन्वेस्टिगेट किया गया, उनको नहीं मालूम कि वो बानी से जुड़े नहीं थे, बानी के लोगों से जुड़े नहीं थे, बस वो गुस्से की बुनियाद पे जो है वो उन्होंने जो है वो बानी के हक में नारे लगाए और उन्होंने बानी को मामला दिए। सो ये वाली बात थी, मैं हालांकि मुझे अब हमें ये लाइव सेशन खत्म करना चाहिए। तो बुनियादी तौर पे जो जिमनी इलेक्शन होगा उसमें इस वक्त तक जो है एज है एक हल्के में इमरान खान को, एक वक्त हल्के में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को हासिल है, और गो के वहां पे भी मुकाबला होगा, इमरान खान मुकाबले करने वाले कैंडिडेट हैं। ताहम अगर कोई बड़ा मिसहैप नहीं हुआ तो ये सियासी पेशन को ये हो सकती है कि 1-1 का रेशियो होगा, लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है कल के मामला पे कि कल दिन कैसे शुरू होता है। अगर पीटीआई